हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ई एन वी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 7। सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन ए डेफ म्यूट person understand that another person is saying? How can a deaf mute person understand what another person is saying? इसने आपको क्वेश्चन में पूछा है कि एक बहरा व्यक्ति कैसे समझ सकता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। एक बहरा व्यक्ति होता है, कैसे समझ सकता है कि दूसरे व्यक्ति उसको क्या कह रहा है। आंसर दिया है, ए डेफ म्यूट पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग बाय द मूवमेंट्स ऑफ हिज ईयर lips and from the expression on his her face। इसमें बताया है कि एक मूक बधिर व्यक्ति अपने होठों के हरकतों और अपने चेहरे के हाव भाव से समझ सकता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। एक मूक बधिर व्यक्ति अपने होठों की हरकतों और अपने चेहरे के हाव भाव से समझ सकता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। सिक्स नंबर, व्हाट अरेंजमेंट हैज द गवर्नमेंट मेड फॉर पीपल विथ एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी। व्हाट अरेंजमेंट हैज द गवर्नमेंट्स मेड फॉर पीपल विथ एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी। इसमें आपको दिया है, किसी भी प्रकार की विकृति वाले लोगों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। गवर्नमेंट यानी सरकार ने किसी भी प्रकार की विकृति वाले लोगों के लिए, पीपल यानी लोगों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। आंसर दिया है उसका, फॉर पीपल विथ एनी काइंड ऑफ deformity the government has implemented various schemes। There are special school for children who are handicapped from birth। Such children can earn their own living after getting trained in this special school from people with any kind of deformity।
किसी भी प्रकार की वृत्ति के वाले के लिए सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने विभिन्न लोगों के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की है। योजनाओं लागू की है, जन्म से विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल है, ऐसे बच्चों ने इन विशेष विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। फॉर पीपल विथ एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस स्कीम। किसी भी प्रकार की विकृति वाले लोगों के लिए सरकार ने वेरियस यानी अलग अलग विभिन्न योजनाओं लागू की है। स्कीम यानी योजना। देर आर स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन हु आर हैंडीकेप्ड फॉर बर्थ। जन्म से विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल है, ऐसे बच्चे इन विशेष विद्यालयों में सच चिल्ड्रन कैन इर्न देयर ओन लिविंग आफ्टर गेटिंग ट्रेनेड इन दिस स्पेशल स्कूल्स। ऐसे बच्चों ने इन विशेष विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। 7 नंबर व्हाट अरेंजमेंट इज देयर फॉर स्टडिंग इन ए स्पेशल स्कूल फॉर डेफ म्यूट चिल्ड्रन। व्हाट अरेंजमेंट इज देयर फॉर स्टडिंग इन द स्पेशल स्कूल फॉर डेफ म्यूट चिल्ड्रन। मूक बधिर बच्चों के लिए एक विशेष विद्यालय स्पेशल स्कूल यानी विशेष विद्यालय में पढ़ने के लिए स्टडिंग पढ़ने की क्या व्यवस्था है वो बता रहे हैं क्वेश्चन में कि मूक बधिर बच्चों के लिए एक विशेष विद्यालय में पढ़ने की क्या व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट है वो बताया हुआ है। तो आंसर दिया है डेफ म्यूट चिल्ड्रन आर टॉट टू कम्युनिकेट विथ जेशर इन स्पेशल स्कूल्स मेड फ्रॉम देम। डेफ म्यूट चिल्ड्रन आर टॉट टू कम्युनिकेट विथ जेशर इन स्पेशल स्कूल मेड फ्रॉम देम। मूक बधिर बच्चों के लिए बना गए विशेष स्कूल में इशारों के स्वाद करना सिखाया जाता है यानी इशारों में बातों करने के लिए सिखाया जाता है। जो बच्चों लोग की स्कूल है मूक बधिरों की, इसमें व्यवस्था की हुई है कि इशारों से स्वाद करना सिखाया जाता है यानी इशारे में बातें करने के लिए वो लोग को सिखाया जाता है। एट नंबर में दिया है आपको हाउ डज ए 4 मंथ ओल्ड इन्फंट कम्युनिकेट। हाउ डज ए 4 मंथ ओल्ड इन्फंट कम्युनिकेट। क्वेश्चन मार्क दिया है कि 4 महीने का बच्चा कैसे स्वाद करता है, कैसे बुलाता है। जो 4 महीने का बच्चा होता है वो कैसे बुलाता है, इस बात करता है। आंसर में है ए 4 मंथ ओल्ड इन्फंट कम्युनिकेट्स बाय लाफिंग एंड क्राइंग एंड बाय मूविंग हिज हर हैंड एंड लेग्स। A 4 month old infant communicates by laughing and crying
एंड बाय मूविंग हिज हेयर हैंड्स एंड लेग्स। 4 महीने का शिशु लाफिंग एंड क्राइंग, हंसते हंसते और हंसते रोते क्या करता है, हाथ पैर हिलाकर हैंड्स एंड लेग वो बुलाता है, स्वागत करता है। 4 महीने का शिशु होता है, हंसता है, चिल्लाता है, रोता है और फिर हाथ पैर उसके हिलाता है और फिर वो बुलाता है, स्वागत करता है। ए 4 मंथ ओल्ड इन्फंट कम्युनिकेट्स बाय लाफिंग एंड क्राइंग एंड बाय मूविंग हिज हर हैंड एंड लेग्स। 9 नंबर में दिया हुआ है कि व्हाट कैन बी अंडरस्टैंड विद द एक्सप्रेशन ऑन ए पर्सन फेस। व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड विद द एक्सप्रेशन ऑन ए पर्सन्स फेस। ये इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर भावों से हम क्या समझ सकते हैं, उसके भावों से, उसके एक्सप्रेशन यानी उसके हाव भाव से हम क्या, इसके फेस के इशारे हाव भाव से हम क्या समझ सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसमें आपको दिया है एक्सप्रेशन यानी उसके फेस, पर्सन जो व्यक्ति है उसके फेस का हाव भाव कैसा है वो देखना है। तो आंसर दिया है उसमें, वी कैन अंडरस्टैंड वेदर ए पर्सन इज हैप्पी सैड और एंग्री विद द एक्सप्रेशन ऑन ए पर्सन फेस। यानी आपको बताए हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के चेहरे पर अभिव्यक्ति यानी उसका हाव भाव से खुश है, हैप्पी यानी हैप्पी दिया है उसमें खुश है, शेड यानी दुखी है और एंग्री यानी वो गुस्से में है विथ एक्सप्रेशन ऑन ए पर्सन्स फेस, उसके चेहरे के हाव भाव से हम उसको बता सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड वेदर ए पर्सन इज हैप्पी सैड और एंग्री विथ इज एक्सप्रेशंस ऑन ए पर्सन फेस, उसके फेस से हम वो सुखी है, दुखी है के गुस्से में है वो उसके हाव भाव, उसके चेहरे के हाव भाव से हम उसको क्या करते हैं समझ सकते हैं उसके। टेन नंबर, व्हाट आर नो एज मुद्रास इन द डांस। व्हाट आर नो एज मुद्रास इन डांस। मुद्रा नृत्य किसे कहते हैं, मुद्रा नृत्य है उसे किसे कहते हैं। आंसर दिया है स्पेशल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर ऑफ द हैंड आर नाउन इज मुद्रा इन ए डांस। स्पेशल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर ऑफ द हैंड आर नाउन एज मुद्रा इन ए डांस। चेहरे के इसमें आपको दिया है इसमें कि उसको जेक्सर यानी हाव भाव, उसका हाव भाव दिखाते हैं, चेहरे के भाव और हाथों के हाव भाव को नृत्य में मुद्रा कहा जाता है। चेहरे के हाव भाव और हाथों के हाव भाव को नृत्य को मुद्रा कहा जाता है। आपने देखा होगा ये डांस, मुद्रा डांस देखा होगा।
स्पेशल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर ऑफ द हैंड आर नाउन एज मुद्रा इन डांस। चेहरे के भाव और हाथों के हाव भाव को नृत्य में मुद्रा कहा जाता है। जो नृत्य करते हैं उसको चेहरे और हाथों से जो मैंने कल आपको वो मुद्रा के बारे में जो आपको फिंगर सब बताई थी वो हिसाब से वो लोग डांस करते हैं और उसकी फेस को हिलाते हैं, उसके हाव भाव से मुद्रा डांस किया जाता है, कहते हैं उसको। 11 नंबर, वाई कैन द पोलिस कैच ए कुलप्रीत धर्निंग देर इन्वेस्टिगेशंस इवन वेन द कुलप्रीत डांसेस हिज हर क्राइम। अब इसमें आपको बताया कि जांच के दौरान जो जांच चलती है उसकी इन्वेस्टिगेशन यानी जांच होती है, जांच के दौरान पुलिस किसी अपराधी को क्या पकड़ सकती है और अपराधी अपने अपराध को इनकार करता है। वाई कैन द पोलिस कैच ए कुलप्रीत डर्निंग देयर इन्वेस्टिगेशन इवन वेन द कुलप्रीत डेनिस इज हियर क्राइम। आंसर दिया है इवन वेन द कुलप्रीत डेंसिस इज हियर क्राइम द पोलिस कैन कैच ए कुलप्रीत डर्निंग द इन्वेस्टिगेशन विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ फियर ऑन देयर फेसिस। अब इसमें बताया है कि उसके अपराध करने की पुलिस उन्हें चेहरे और भाई जो उसके हाव भाव है उसके भाव को पकड़ सकती है, चेहरे के जो हाव भाव है उसे वो पकड़ लेती है क्योंकि वो क्या होता है कि जो अपराध करता है तो वो व्यक्ति होता है उसके मुंह पे क्या होता है चेहरे पर भय का भाव दिखता है, वो घबराया हुआ देखता है तो वो हिसाब से जो पुलिस होती है उसके एक्सप्रेशन से वो उसके फियर द फेस के हिसाब से उसको वो क्या करती है पकड़ सकती है। और क्वेश्चन आंसर से अभी आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें से अपने को क्या करना है, चार ऑप्शन में से सही आंसर को लिखना है। चार ऑप्शन दिए उसमें से सही आंसर लिखेंगे इसमें। अभी ये वन नंबर, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोस गिवन बिलो इच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट इच क्वेश्चन। अभी आपको जो क्वेश्चन आंसर्स दिए है उसमें बॉक्स भी दिया है तो चार ऑप्शन में से कोई भी एक विकल्प को पसंद करके लिखना है, जो सही है उसको करेक्ट आंसर को लिखना है। वन नंबर में इन विच कैटेगरी ऑफ डिफॉर्मेटी इज ए चाइल्ड हु कैन नॉट हियर और स्पीक फ्रॉम बर्थ इंक्यूलेटेड। इंक्यूलेटेड समावेश करना है उसमें, देखो अभी इसमें लिखा है ए नंबर में दिया है आपको फ्रैक्चर, बी में है ब्लाइंड यानी अंधा,
सी में है डेफ और म्यूट, बहरा और मूंगा। डी में है मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक मंदता। अभी इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा है कि विकृत किसी श्रेणी में एक बच्चा शामिल है जो जन्म से ही सुन या बोल नहीं सकता, तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा कि विकृति किसी श्रेणी में से एक बच्चा शामिल है जो जन्म से सुन या बोल नहीं सकता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, तो क्या होगा, जन्म से वो बोल और सुन नहीं सकता, तो डेफ म्यूट, बहरा और मूंगा होगा। तो कौन से नंबर डालेंगे, सी। इन व्हाट आर जेस्चर ऑफ द हैंड एंड फेशियल एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट। पहले हाथ के लिए इशारे में क्या है, हाथ और चेहरे के भाव महत्वपूर्ण है। इसमें इन चिट चैट, बी इन डांस, इन प्ले, वाइल सिंगिंग। ए में है चिट चैट में, बी में है इन डांस नृत्य में, सी में इन प्ले नाटक में, वाइल सिंगिंग गाने में। इसमें कौन सा आएगा, बी नंबर इन डांस में, कौन से में, इन डांस में। बी नंबर व्हाट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द स्पेशल एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन। किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों से क्या समझा जा सकता है। वन नंबर में दिया है वेदर द पर्सन इज हैप्पी और एंग्री, ये व्यक्ति खुश है कि गुस्से में है। बी नंबर वेदर द पर्सन इज राइस, या व्यक्ति अमीर है। तीसरे वेदर द पर्सन इज सर्वेड, यानी क्या व्यक्ति चतुर है। वेदर द पर्सन इज पुअर, क्या व्यक्ति गरीब है। अभी इसमें से चार ऑप्शन में से लिखना है, तो इसमें आएगा कि उसके चेहरे के हावभाव से आपको कैसे मालूम पड़ता है कि वो खुश है या गुस्से में है, वो उसके चेहरे के हावभाव से मालूम करता है। तो ए नंबर आएगा। फोर नंबर विच सीन्स इज सीन एज मोर प्रोमिनेंट इन डिफॉर्मिटी चिल्ड्रन देन इन नॉर्मल चिल्ड्रन। भी आपको इसमें बताया है कि सामान्य बच्चों की तुलना में विकृत बच्चे होते हैं जो इस भावना को अधिक प्रमुखता से देखा जाता है। ए में लिखा है ऑब्जर्वेशन, बी में है आपको कॉन्स्टेशन लिस्टिंग और स्पीकिंग। अब ये चार ऑप्शन दिए हैं और फिर अवलोकन करना है, एकाग्रता, इसमें सुनना लिस्टिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना। तो कौन सा आएगा उसमें के सामान्य बच्चों की तुलना में विकृत बच्चों में किस भाव को अधिक प्रमुखता से देखा जाता है, तो एकाग्र से ज्यादा देखा जाता है उसको। फाइव नंबर में व्हेन मदर रिटर्नड इन द इवनिंग शी शो मीट सिटिंग क्वाइटली एंड राइटिंग बट एट द सेम टाइम ही वॉज लुकिंग एट हिज मदर विथ क्विक साइड ग्लैंस शो मदर लुकेड एट मीट फेस एंड गेजेड डेट व्हेन मदर रिटर्नड इन द इवनिंग। शाम को जब माँ घर पे लौटी सी सो द मीट क्वाइटली, तो मीट था वो
उन्हें मीत को चुपचाप बैठे और लिखते हुए देखा। बट लेकिन साथ ही वह अपनी माँ को तत्परित नजरों से देखते रहा था। बोलने में माँ मीत के चेहरे की ओर देखा और अनुमान लगाया और उसने पूछा है क्वेश्चन के मीत टीचर्स मस्ट हैव गिवन ही में लॉट ऑफ द होमवर्क। मीत की टीचर ने उसे बहुत सारा होमवर्क दिया था। मीट ए स्टडी बिकॉज इज एग्जाम आर नियर। मीट की चेहरा मीट पढ़ रहा था क्योंकि उसकी परीक्षा नजदीक थी। मीट हैज डन सम मिस्चीफ आफ्टर कमिंग होम। मीट के घर आकर कुछ शरारत की है। तो मीट हैज बिकम ए वेरी क्लेवर बॉय। मीट बहुत होशियार लड़का बन गया है। तो ना सी नंबर आएगा उसमें। ए मीट के घर आकर कुछ शरारत की है वो अपने आएगा सी नंबर। समझ गए? ओके।